स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग ज्योमेट्री के टॉप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वो किसी भी आपके कॉन्सेप्ट के हो सकते हैं, चाहे ट्राइंगल सर्किल किसी भी टॉपिक के या किसी भी कॉन्सेप्ट के। वो सारे टॉप क्वेश्चन जो आपके व्यापम बार बार पूछता है किसी भी एग्जाम में, ये आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले पटवारी के एग्जाम में। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल ऐसे भी आपको मिलेंगे जो पिछली बार पटवारी के एग्जाम में पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने की उनकी संभावना है। तो चलो बिना देरी किए हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। पहला सवाल आप लोगों के सामने, एक चतुर्भुज है आपका, एबीसीडी के अंदर एक वृत्त इस प्रकार बनाया जाता है। हर एक सवाल के साथ उसके साथ जो आपकी प्रॉपर्टी लगी है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। ये कोई आपका चतुर्भुज है, मान के चलो ये कोई आपका चतुर्भुज है। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये मैं आपको बताने वाला हूं। एक सही सा चतुर्भुज बन जाए भाई, ये बन गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, इसके अंदर आपने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, ठीक है। सभी भुजाओं को स्पर्श करती है। ए बी 6 है, बी सी 7 है, सी डी 5 है। बेटा आपको ए डी की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना, आमने सामने की भुजाओं का योग, आमने सामने की भुजाओं का योग आमने सामने की भुजाओं के योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि यही प्रॉपर्टी आपको यहां पर बेटा लगानी है। तो 6 और 5 11, 11 में से अगर 7 घटाओगे 3 और 1 4, बोले तो ऑप्शन नंबर पहला। क्या आप लोगों को यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? चलो अगला सवाल। दो रेखाएं हैं जो आपके स्कूल में पढ़ती है, इन रेखाओं से आपको अपना आंसर ढूंढना है। ए बी और सी डी, ओ बिंदु पर ये रेखाएं टकरा जाएंगी, कट जाएंगी, ठीक है, कट जाएंगी, टकरा जाएंगी। यहां पर एक चीज याद रखना, अगर बीओसी, बीओसी और एओसी, बीओसी और एओडी, एओडी इन दोनों का सम अगर आपका यहां पर इन दोनों का सम मिलाकर आपका अगर 280 है, ठीक है, 280 है, तो यहां पर एओसी मतलब ये वाला और ये वाला का सम कितना होगा? तो बेटा 360 में से घटा दो, 0 6 और 2 आपका 8। 360 में से क्यों घटाया? क्योंकि रेखा जिस पॉइंट पर टकराएगी ना, जिस पॉइंट O पर टकराएगी, उस O का कंप्लीट जो एंगल है वो 360 डिग्री का होगा। तो 360 में से आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट निकालना था, वही इस सवाल का सही उत्तर हो जाता। एक सीधी सरल रेखा पर बनने वाले कोण हमेशा आपके 180 डिग्री के होते हैं, जिन्हें आप स्ट्रेट एंगल या फिर ऋजु कोण या फिर संरेख कोण आप बोलते हो। आसन मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन थी आपकी इस तरीके से, कोई यहां पर कोई आपके दो कोण है, ये मान के चलो आपका 6 का हो जाएगा, ये आपका 3 का हो जाएगा, दोनों मिलाकर 9 के हो जाएंगे, जो किसके बराबर है यहां पर 180 के, 1 बराबर 20 के, 1 बराबर 20 है। तो बड़े कोण की वैल्यू बतानी, 6 की वैल्यू बतानी है 120, ठीक है, 120 बोले तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने, देखो ध्यान से समझना बेटा, ए और बी एक आपकी सीधी सरल रेखा है, सी ओ डी की आपको बतानी है वैल्यू क्या होगी। मैंने बताया सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होगा, तो यहां पर कितना आएगा आपका x प्लस 20, ठीक है, x प्लस 20 यहां पर प्लस 2x माइनस 20 प्लस आपका 60 बराबर 180, ठीक है, बराबर 180। तो यहां पर क्या आएगा आपका, ध्यान से समझना, 20 और 20 कट जाएगा, तो यहां पर 3x, ठीक है, बराबर 60, यहां पर कितना आएगा 3x बराबर 60, इधर जाएगा तो कितना मिलेगा 120, x बराबर कितना मिलेगा आपको 3 4 12 40, x बराबर 40 है। तो सीओडी, सीओडी की वैल्यू बतानी है, तो यहां पर 40 में 2 का गुणा करोगे 80, 80 में 20 घटाओगे तो कितना मिलेगा 60, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्लियर है। दो पूरक आपको देखे रखे, दो कोण 28 डिग्री से भिन्न है, कोण कौन से होंगे? यार सीधी सी बात है, दो एंगल होते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं, एक तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब दो कोणों का योग हमेशा आपको 90 डिग्री मिले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री मतलब आपका सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण। पूरक कोण अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, अल्फा माइनस बीटा बराबर 28, ठीक है। तो 2 अल्फा बराबर यहां पर कितना मिलेगा 9 और 2 11 और 8, तो अल्फा बराबर कितना मिलेगा 5 और 9, तो बीटा बराबर यहां पर कितना मिलेगा
घटा दो इसे 90 में से, एक 8 में से 5 जाएगा 3, 31, ठीक है ये होना चाहिए, यही होगा यार, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो यही मिलेगा, ठीक है, 6 और यहाँ पर ये होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर आपने सप्लीमेंट्री लिख दिया और यहाँ पर पूरक लिख दिया, ये थोड़ा सा देख लेना, अगर ये 180 होगा, 180 होगा तो यहाँ पर 2 अल्फा बराबर कितना मिलेगा 8, ठीक है बराबर मिलेगा 8, 8 और तो आपका 10 और यहाँ पर ठीक है 2, तो अल्फा बराबर मिलेगा 104, ठीक है बीटा बराबर मिलेगा 76, ये थोड़ा सा देख लेना, सप्लीमेंट्री क्या हो तब क्या करोगे और कॉम्प्लीमेंट्री हो तब क्या करोगे, ठीक है। एक कोण का एक तिहाई उसके पूरक के बराबर है, बेटा एक बात बताओ, एक को होगा अल्फा दूसरा इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, एक कोण अल्फा इसके एक कोण का एक तिहाई 1/3 इसके पूरक कोण, पूरक कोण मतलब 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा, कोण की वैल्यू बताओ मतलब अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, अल्फा बराबर 9 × 3 = 270 माइनस आपका 3 अल्फा, ठीक है 4 अल्फा बराबर आपको कितना मिलेगा 270, यही होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा अल्फा बराबर कितना मिलेगा, यहां पर तो कुछ गड़बड़ घोटाला है, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 67 के समथिंग मिलेगा। एक कोण का एक तिहाई उसके पूरक, यार फिर से इन्होंने सप्लीमेंट्री दे दिया, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है फिर से देखो, सप्लीमेंट्री इंग्लिश में दे रहे हैं और हिंदी में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। 180, ठीक है अल्फा बराबर 540 माइनस आपका 3 अल्फा, ठीक है तो यहां पर 4 अल्फा बराबर कितना आएगा 540, ठीक है तो अल्फा बराबर 4 × 4, ठीक है एक कैरी करोगे 4 × 3 = 135, मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि बेटा अगर हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हो ना तो इंग्लिश के क्वेश्चन को आप लोग थोड़ी सी प्राथमिकता दे देना, ये होता है व्यापम वाले भी यही करते। अगला सवाल, शानदार सवाल, देखो यहां पर ध्यान से समझो, दो रेखाएं हैं आपकी, रेखाएं कौन कौन सी हैं आपकी, ए बी और सी डी, ठीक है देखो सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री का होगा, तो ध्यान से समझना, यहां पर मान के चलो आपका 20 है, एक एग्जांपल से समझना, यहां पर मान के चलो 20 है, ठीक है यहां पर कितना हो जाएगा आपका सीधी सरल रेखा पर 180, या फिर एक काम करो यहां पर मान लो 60, तो यहां पर कितना हो जाएगा 120, यहां पर ये 120, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपका यहां पर 60, 120 ये कितना हो जाएगा आपका 60, ये चीज समझ में आ रही, मतलब मैं बोलना आपसे ये चाहता हूं कि बेटा देखो इन दोनों एंगलों का सम हमेशा आपको 180 डिग्री मिलेगा, मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं आपको कि 3x और 1x मिलाकर हो जाएगा 4x प्लस 45 और 15 60 बराबर आपको 180 मिलेगा, मतलब 4x बराबर कितना मिलेगा 120, x बराबर कितना मिलेगा आपको 30, x बराबर 30, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि भाई इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। जैसे अगला सवाल देखो, दी गई आकृति में x की वैल्यू आपको निकालनी है, दी गई आकृति में x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, बेटा सीधी सरल रेखा पर 180 मतलब ये 60, ठीक है तो ये एंगल की वैल्यू बतानी है 60, ये कितना हो जाएगा 115, ठीक है यहां पर कितना आ जाएगा आपका 65, ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर। एक त्रिभुज के कोण 2, 4, 3 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब 2 × 4 = 6 × 3 = 9, 9 = 180, 2 = 1 = 9 × 18 = 20, सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब 2 की वैल्यू, 2 = 40, और यही ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया, तो आज की क्लास का हम लोग देखते हैं आखिरी सवाल, अगला सवाल आप लोगों के सामने, माध्यिका की प्रॉपर्टी पर आपका ये बेस्ड सवाल है, जिसमें आपको देखे रखा है कोई त्रिभुज है, ठीक है कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है ए डी और आपका बी और आपका यहां पर सी एफ, ठीक है एक दूसरे को जी पर काटेंगे, एक दूसरे को जी पर काटेंगे, ठीक है बेटा याद रखना इन सभी क्षेत्रफलों का मान बराबर होगा, इन सभी क्षेत्रफलों का मान कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अगर पूरा क्षेत्रफल आपका 288 के बराबर है ना, और इन सबको अगर बांटना है मतलब इन सभी की वैल्यू निकालनी है तो 6 से भाग दे देना, प्रत्येक भाग की वैल्यू पता चल जाएगी, 1 = 6 = 6 = 24, 6 = 48, ठीक है
आपको बताना है क्या ई एफ जी, देखो ई एफ जी ठीक है, आपको क्षेत्रफल कौन सा बताना है, ए डी को ठीक है, ए बी सी में ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी ई और आपका सी एफ ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है क्या ई एफ जी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ई एफ जी ये वाला बताना है, ये वाला आपको बताना है ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है। तो एक काम करो यहां पर ठीक है, यहां पर आप एक काम करो पूरे क्षेत्रफल का ठीक है, पूरे क्षेत्रफल का आप लोग यहां पर 3/8 कर दो, 3/8 ठीक है, क्या करोगे यहां पर 3/8 क्लियर है। एक चीज और याद रखना, पूरा जो क्षेत्रफल है, पूरा जो क्षेत्रफल जैसे मैंने बोला कि ये वाला भाग ठीक है और ये वाला भाग ठीक है, इस तरीके से ये पूरा क्षेत्रफल बराबर होगा। माध्यिका में होता क्या है, जैसे मान के चलो ये आपका त्रिभुज है ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, ये वाला पूरा भाग आपका बराबर होगा, ये वाला पूरा भाग बराबर होगा, ये वाला पूरा भाग बराबर होगा, ये वाला पूरा भाग बराबर होगा, क्लियर है। तो यहां पर आप अगर 288 ठीक है, 388 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 8 3 24 ठीक है, 8 3 आपका यहां पर 8 3 24 8 6 48 36 ठीक है, तो यहां पर आपका ये आना चाहिए, क्लियर है यहां पर। बाकी सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं ठीक है, बाकी सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। लास्ट में बस इतना ही कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और यहाँ पर प्रो की मेंबरशिप के साथ आप लोग जोड़ो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।